अजन्मे शिशु के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है मां की कोख, लेकिन दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में हवा में फैले प्रदूषण के कारण अब मां की कोख में पल रहे शिशु भी सुरक्षित नहीं है। बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स बुजुर्गों और छोटे बच्चों के साथ अजन्मे बच्चों पर भी इसका असर डाल रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर इस जहरीली हवा में गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। खास तौर पर गर्भावस्था के शुरुआती और आखिरी समय में महिलाओं को घर में ही रहने की अपील की जा रही है। एनसीआर और अन्य क्षेत्रों में डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं के लिए ऑनलाइन परामर्श शुरू कर दिया है। जरूरत पड़ने पर ही महिलाओं को चेकअप के लिए अस्पताल में बुलाया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हवा में बिखरे हैवी मेटल्स मां की सांस के जरिए फीटस तक पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रदूषण नवजातों के दिल, दिमाग, फेफड़े तीनों के लिए बेहद घातक है। स्त्री रोग विशेषज्ञ का कहना है कि हमारे देश में अभी प्रदूषण के प्रेगनेंसी पर असर को लेकर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिसर्च में इतना सामने जरूर आया है कि गर्भावस्था में वायु प्रदूषण में रहने से प्री मैच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट का रिस्क ज्यादा रहता है। इससे बच्चे का ह्यूमन सिस्टम अविकसित रह जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे के जन्म के बाद भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ऐसे मौसम में सांस लेने में तकलीफ होती है और इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में या भ्रूण पर प्रदूषण का असर जांचने के लिए अलग से कोई टेस्ट की सुविधा भी नहीं है। डॉक्टरों से लेकर आम लोगों तक को इस बारे में ज्यादा जागरूकता भी नहीं है। अभी केवल प्रेग्नेंट महिलाओं से उनकी फैमिली हिस्ट्री और उनके आसपास के माहौल के बारे में पूछा जाता है। अगर महिला प्रदूषित इलाके में रहती है तो उसका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिससे बॉडी में लेड के लेवल का पता चलता है। किसी फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने के चांस भी बने रहते हैं। आपको बता दें कि भारत में प्रदूषण और प्री मैच्योर बर्थ के बीच संबंध को लेकर अभी इतना गहरा अध्ययन नहीं हुआ है। अमेरिका में होने वाली कुल प्री मैच्योर बर्थ में 3% की वजह प्रदूषण होता है। ऐसे में बच्चों की संख्या 16,000 है। एक मैगजीन में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 60 लाख बच्चे प्रदूषण की वजह से समय से पहले जन्म ले लेते हैं। इनमें से करीब आधे बच्चे अंडरवेट यानी कम वजन के होते हैं। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले समय में प्रदूषण और बढ़ेगा और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को बेहद बचने की जरूरत है। यदि इस दौरान गर्भवती महिलाएं लापरवाही बरतती हैं तो उनके बच्चे को काफी नुकसान पहुंच सकता है।